साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जहां होंगे स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे। आज की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की क्लास से और आज देखेंगे 28 अगस्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम को। इतना महत्वपूर्ण कि एग्जाम में इस क्लास से एक दो सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर के क्लास को। तो 28 अगस्त का आज क्लास है और ध्यान रखना है कि 28 अगस्त को एक बहुत बड़ी योजना का 6 साल पूरा हो गया, जिस काफी विवाद में भी रहा, काफी चर्चा भी हुई कि ये योजना क्यों चलाई गई, लेकिन आज उस योजना का सार्थकता पता चल रहा है कोविड-19 के समय में। तो ये योजना क्या है, तो ध्यान दें कि आम जनता को बैंकिंग में सार्वभौमिक सुविधा प्रदान करने वाला प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ध्यान रखना है प्रधानमंत्री जनधन योजना जो सरकार ने 2014 में शुरू किया था और इसके 6 साल पूरे हो गए। तो ध्यान रखना है कि 14 में 28 अगस्त के दिन ही इस योजना को लाया गया था और इसके अंतर्गत सभी आम जनता के खातों को बैंक में खोलने का एक बड़ा योजना चलाया गया और उस खाते के द्वारा सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर आम जनता तक तो पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत 40,35,00,000 खाते खोले गए और 1,35,000 करोड़ रुपए इन खातों में जमा किए गए। तो ध्यान रखना है एक बड़ी योजना जिसके 6 साल पूरे होने का समय हो गया। 28 अगस्त 2014 को ही ये योजना सरकार लेकर आई थी जब मोदी सरकार पहली बार बनी थी। तो ध्यान रखना है दूसरा एक इसी तरह की योजना है जो 2017 में शुरू हुआ था और ध्यान रखना है कि ये योजना देश में क्षेत्रीय संपर्क को विमान सेवा विकसित करने के लिए, मतलब डोमेस्टिक विमान सेवा, घरेलू विमान सेवा जो है, जो लोगों को आवागमन को सुविधा करे, तेज करे और जल्दी से संपर्क स्थापित किया जा सके, विमान सेवा में कम कीमत पर लोगों को विमान की सुविधा मिल सके, इस योजना के लिए एक नई योजना की शुरुआत किया था सरकार ने, नाम था उड़ान। तो ध्यान रखना है उड़ान नामक योजना जिसका पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। तो ध्यान रखना है उड़े देश का आम नागरिक जिसको उड़ान कहा जाता है, ये क्षेत्रीय संपर्क के विमान सेवा को विकसित करने के लिए, मतलब आपस में राज्यों के बीच घरेलू विमान सेवा विकसित हो सके, कम कीमत पर अवेलेबल हो सके, उसके लिए ये योजना लाई गई थी। और ध्यान रखना इसके लिए 78 नए मार्ग को अनुमति दी गई, मतलब ऐसे ऐसे जगह पर जहां पर पहले विमान सेवा नहीं थी या बंद पड़ी थी उसको खोलने का अनुमति सरकार ने दे दिया। तो ध्यान रखना है और ये उड़ान योजना 2017 में सरकार ने शुरू किया था और एक बड़ा महत्वाकांक्षी योजना जिसके द्वारा आम जनता को कम कीमत में विमान सेवा उपलब्ध कराया जाएगा घरेलू तौर पर, या अलग अलग राज्यों को एक दूसरे से जोड़ने का एक बड़ा कदम है। तो ध्यान रखना है एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अमेरिका से और अमेरिका में एक चक्रवाती तूफान उठता है जिसका नाम हरिकेन है और हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, प्रेशर टेम्परेचर का बदलाव होता है, तो समुद्री क्षेत्रों में ऐसे तूफान उठ जाते हैं और खासकर अमेरिका के आसपास दो जगह पर, अटलांटिक महासागर में और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में ये नामक तूफान हरिकेन उठता है और ये चक्रवाती तूफान अमेरिका के लुसियाना प्रांत से टकराया है। तो ध्यान रखना है अमेरिका के लुसियाना प्रांत से टकराया है हरिकेन। हरिकेन बार बार तूफान का नाम पूछा जाता है तो ध्यान देना, ये हरिकेन को भारत में चक्रवात कहते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली और चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। तो ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवाती तूफान कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है जबकि हरिकेन कपिल देव का एक उपनाम है। तो ये ध्यान रखना है कपिल देव को उनके प्रदर्शन के लिए हरिकेन कहा जाता है, ये ध्यान देना है। कभी कभी पूछेगा ये कि हरियाणा का हरिकेन किस खिलाड़ी को कहते हैं, तो कपिल देव को। तो ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलें तो एक न्यूज है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, रोकथाम के लिए काफी प्रयास किया है और इसके तहत एक और कदम उठाया कि उत्तर प्रदेश के गोंड जिला में, तो गोंड जिला का नाम याद रखना है, 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी कोविड अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना है कि नोएडा में 400 बेड का पहले ही इस तरह का अस्पताल बन चुका है। तो नोएडा के बाद ये दूसरा कोविड अस्पताल है जो गोंड जिला में
शुरू किया गया और पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। तो उत्तर प्रदेश का ये दूसरा बड़ा अस्पताल, एक नोएडा में 400 बेड का पहले हो चुका है और गोंड में दूसरा अस्पताल है, ये ध्यान रखना। असम भाषा से संबंधित एक गायिका है, असमी गायिका, तो लैंग्वेज ही याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए। असमी गायिका अर्चना महंता का निधन हो गया, ध्यान रखना। और ये महंता का निधन जो हुआ है, ये एक दिवंगत गायक की पत्नी है, तो ध्यान रखना है, विधवा है। और दिवंगत गायक जो है खगेन हेमंता, खगेन हेमंता, इनका नाम बहुत चर्चा में रहा है, ये ध्यान रखना। इनको बिहू का राजा कहा जाता है, तो बिहू का राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहू के राजा के नाम से जाना जाता है किनको, तो खगेन हेमंता को। और इनकी विधवा है, विधवा थी अर्चना महंता, जिनका भी निधन हो गया। तो ध्यान रखना है, असमी भाषा से जुड़े हुए हैं, असम के लोक गीतों को गाया करती थी और इनके पति पहले ही असमी भाषा के एक बड़े गायक के रूप में, बिहू के राजा के रूप में उनको जाना जाता था। तो ध्यान रखना है, एक और बड़ी योजना सरकार की आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए, और योजना है एक जिला एक फसल योजना, पूरे देश में चल रहा, बिहार के भी सभी जिलों में एक एक फसलों के डेवलपमेंट पर काम चल रहा, जिसको हम आगे भी चर्चा करेंगे बिहार के करंट अफेयर में। लेकिन यहां ध्यान रखना है, एक स्पेशल फसल अंगूर, और अंगूर के डेवलपमेंट के लिए एक जिला का चुनाव किया गया, जो तमिलनाडु का अलियापुर है, ये ध्यान रख, अलियालूर। तो तमिलनाडु का अलियालूर को अंगूर की खेती के लिए चयन किया गया, मतलब यहीं पर अंगूर की खेती के डेवलपमेंट पर और उसके प्रसंस्करण से संबंधित, प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य किया जाएगा। तो ये कहां है, तो तमिलनाडु का अलियालूर जिला, मतलब हर जिले में एक फसल विशेष तौर पर चुना जाए और उसका डेवलपमेंट किया जाए, उसका प्रोडक्शन किया जाए, उसका उत्पादन करके प्रोसेसिंग करके निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, व्यवस्था अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए। तो आत्मनिर्भर भारत का एक यह भी हिस्सा है, ध्यान रखना। एक न्यूज है केरल से, बहुत इंपॉर्टेंट, और न्यूज क्या है कि समुद्री मछुआरे जो तूफान में फंस जाते हैं या उनकी दुर्घटना हो जाती है किसी कारण से, तो हेल्थ सुविधा वहां नहीं पहुंच पाता है, तो इसके चलते केरल ने एक नई योजना की शुरुआत की, और केरल के मत्स्य विभाग ने समुद्री एम्बुलेंस, पहली समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम प्रतीक्षा रखा है, ये ध्यान रखना है, प्रतीक्षा पूछा जाएगा, इसका नाम याद रखेंगे। तो समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया इसके लिए, तो समुद्री मछुआरों को फंसे होने की स्थिति में, उनके कोई दुर्घटना होने की स्थिति में उनको सुविधा प्रदान किया जाए, जिसके अंतर्गत प्रतीक्षा में 10 लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई, तो ये ध्यान देना है। आगे चलें तो 27 अगस्त से 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली में हुआ, ये ध्यान रखना। तो 27 अगस्त से शुरू हुआ, 2 दिन का चलेगा, और ये ध्यान रखना है कि 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन है और नई दिल्ली में हुआ है, और इसका आयोजन जो कर रहा है NCPUL कर रहा है, नेशनल काउंसिल प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज, ये ध्यान रखना है, NCPUL के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है या आयोजन किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित, आसियान जानते होंगे आप लोग, और भारत का व्यापार परिषद का आभासी बैठक संपन्न हो गया, मतलब आसियान देशों के बीच भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल मीटिंग हुई, क्योंकि मीटिंग तो अब चल नहीं रहा है, COVID-19 काल में सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, और ये सब डिजिटल तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन करके योजनाओं को विकसित करने का काम किया जा रहा है। तो आसियान को ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये बड़ा संगठन है, जिसमें कुल 10 देश शामिल है, ये ध्यान रखना, जिसका मुख्यालय जो आसियान का मुख्यालय जकार्ता है, जकार्ता इंडोनेशिया, ये ध्यान रखना। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि यह जो है देश 10 दक्षिण पूर्व एशियाई का एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशियाओं का संघ है, 10 देशों का है, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया, ये ध्यान रखना। और इसका स्थापना जो हुआ था 1967 में हुआ था, तो छोटे छोटे देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के, और इसके साथ भारत संपर्क करके अपने व्यवसाय को, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम कर रहा। तो यही था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसको देखें और पूरी तरह से ध्यान रखें, यहां से भी एक दो सवाल
पूछा जा सकता है। और हम वही चीज लेकर आते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, सभी करंट्स को देखने के बाद जो महत्वपूर्ण होता है वो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो इसको ध्यान दें, पढ़ें और फिर हम लोग मिलेंगे शाम के क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो, अच्छे हो, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देश हित में हमेशा कार्य करें। तो बोलिए एक बार, जय हो मैया की। थैंक यू।